நாட்டின் பழங்கால மக்களின் நம்பிக்கையான துணிச்சல் இருக்கும் இடத்தில் செழுமை இருக்கும் என்ற சொல்லாடலுக்கு வலிமை சேர்ப்பது போல் டாய்கத்தான் போட்டி அமைந்துள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். பொம்மைகள் மற்றும் விளையாட்டு சாதனங்களில் புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்கும் டாய்கத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்டவர்களுடன் அவர் காணொலி காட்சி வாயிலாக இன்று உரையாடினார். இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்ற 1500க்கும் மேற்பட்ட குழுக்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலம் இருப்பதாக அவர் கூறினார். பொம்மைகளுக்கான சர்வதேச சந்தை மதிப்பு 100 பில்லியன் டாலராக உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார். இதில் இந்தியாவின் பங்கு 1.5 பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு மட்டுமே உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். எனவே இச்சூழ்நிலையை மாற்றியமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் எடுத்துரைத்தார். சுமார் 80% அளவிற்கு பொம்மைகள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதால் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார். பின்னர் டாய்கத்தான் 2021 போட்டியில் பங்கேற்றவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார். இஸ்மே பாரத் கி ஹிஸ்ஸேதாரி சிர்ஃப் 1.5 பில்லியன் டாலர் கே ஆஸ்பாஸ் ஹி ஹை. சிர்ஃப் 1.5 பில்லியன். ஆஜ் ஹம் அப்னி ஆவஷ்யக்தா கே பி லக்பக் 80% கிலோனே விதேசோ சே ஆயாத் கர்தே ஹை. யானி இன் பர் தேஷ் கா கரோடோ ருபியே பஹார் ஜா ரஹா ஹை. நிகழ்ச்சியில் சென்னை கேசிஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியைச் சேர்ந்த பங்கேற்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் இந்த புதிய முயற்சிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார். ये जो आपकी गेम है वो सिर्फ अंग्रेजी में है या मल्टीलिंगुअल है और यूएन की जो लैंग्वेजेज हैं ताकि दुनिया में पहुंचे, इसके लिए भी कुछ किया है क्या? अभी फिलहाल ये इंग्लिश में ही है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इट इनटू अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज वेरी सेल्फ सफिशियंट अभी, क्योंकि बहुत सारे विजुअल इंटरेक्शन हैं इसमें जिसकी वजह से लैंग्वेज की नेसेसिटी उतनी फील नहीं होगी. विजुअलाइजेशन को देख के ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट इन टू अदर ट्रांसलेशन एंड वी बिलीव इट इज गोइंग टू बी इजी टू डू दैट. अच्छा, जो दिव्यांगजन है उनको कॉमेंट्री के द्वारा या कोई और तरीके जोड़ करके हम उसमें कुछ डेवलप कर सकते हैं या कुछ किया है आप लोगों ने? हाँ, वी हैव वॉइस ओवर्स इसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करता है. तो अगर कोई पढ़ नहीं सकता या देख नहीं सकता तो वो आराम से सुन के योगासन कर सकता है. चलिए, आज योग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान देखा है. अब गेमिंग के जरिए जो आपका ये नया प्रयास है, ये योग के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा देगा और युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेगा. आपने अपने गेम में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, उन दोनों का जो मिलन किया है, इससे हम और बेहतर ढंग से योग का लाभ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है. मैं आपकी पूरी टीम को, सभी नौजवान साथियों को इस शानदार प्रयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे नए नए इनोवेशन करते रहें और बार बार नई चीजें लेकर के आप देश और दुनिया के सामने आइए. मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू. धन्यवाद.